नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। ये देश का पहला प्लाज्मा बैंक है। इसी के साथ CM केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील भी की। सबको नमस्कार। आज से दिल्ली में प्लाज्मा बैंक शुरू हो रहा है। कोरोना के इलाज के लिए ये शायद देश का पहला प्लाज्मा बैंक है। अभी तक लोगों को प्लाज्मा लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी और दिल्ली में सुनने में आ रहा था कि लोग काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है दिल्ली के अंदर। इस प्लाज्मा बैंक के बन जाने से उम्मीद करते हैं कि ये दिक्कत लोगों की दूर होगी। लेकिन ये प्लाज्मा बैंक तभी सफल होगा जब लोग आगे आके प्लाज्मा डोनेट करेंगे। अगर प्लाज्मा डोनेट नहीं करेंगे तो आगे प्लाज्मा दिया कैसे जा सकेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग ठीक हो गए हैं कोरोना से, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। इसकी एलिजिबिलिटी बड़ी सख्त है, कौन लोग प्लाज्मा दे सकते हैं। सबसे पहले तो आपको कोरोना हुआ होना चाहिए, बीमारी हुई हो, आप बीमारी से ठीक हो गए हों और आपको ठीक हुए कम से कम 14 दिन हो गए हों, आपकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए, आपका वजन 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए, महिलाएं जो जिंदगी में कभी भी एक बार भी कभी प्रेग्नेंट हुई वो नहीं दे सकती, जो लोग जिनको शुगर की बीमारी है और जो इंसुलिन लेते हैं, या जिन लोगों की शुगर स्टेबल नहीं है वो नहीं दे सकते, जिनको हाइपरटेंशन की बीमारी है या बीपी 140 के ऊपर है वो नहीं दे सकते, जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं वो नहीं दे सकते, जिनको क्रोनिक किडनी हार्ट लंग या लिवर की बीमारी है वो नहीं दे सकते। सो अपने पास ये अगर सारे लोगों को हटा दें तो, और कोरोना से जो अभी तक, वैसे तो कोरोना से दिल्ली में 58,000 लोग ठीक हुए, लेकिन 58,000 लोग तो कल तक ठीक हुए, 14 दिन पहले, और फिर इतनी सारी कंडीशंस कर दें तो काफ़ी कम लोग बचेंगे। उन सब लोगों को सामने आके प्लाज्मा डोनेट करना पड़ेगा। ज़िंदगी में बहुत कम मौके मिलते हैं जब आप किसी की जान बचा सकते हैं। भगवान ने अगर आपको मौका दिया है तो आप ज़रूर सामने आके किसी की जान बचाइएगा। और ये जो, ये बिल्कुल मत सोचिएगा, खून देने में फिर भी थोड़ी बहुत हो सकती है कमज़ोरी आए, प्लाज्मा देने में ज़रा सी भी कमज़ोरी नहीं आती, बिल्कुल कमज़ोरी नहीं आती है, बहुत ही सेफ़ है, बहुत ही सिंपल है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपको कोरोना हुआ, कोरोना से ठीक हुए, आपको 14 दिन हो गए, तो आप प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार हैं, तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके हमें बता सकते हैं। 1031 पे आप फ़ोन करेंगे और आप रजिस्टर हो जाएंगे, या आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें, 8800007722। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, 8800007722, या तो इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए या 1031 पे आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आप अपने को रजिस्टर करेंगे, इसके बाद हमारे यहाँ से आपका नंबर हमारे पास आ जाएगा, फ़ोन नंबर हमारे यहाँ से दिल्ली सरकार से एक डॉक्टर का फ़ोन जाएगा आपके पास, वो आपसे फ़ोन पे बात करेंगे और आपकी एलिजिबिलिटी, कि आप एलिजिबल हैं, आपसे बातचीत से
वो निश्चित करने की कोशिश करेंगे कि आप सारे पैरामीटर पे एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपकी सुविधा के हिसाब से आपको प्लाज्मा डोनेट करने का टाइम आपके साथ फिक्स कर लिया जाएगा। ILBS अस्पताल है दिल्ली सरकार का, जहाँ पे प्लाज्मा बैंक बनाया जा रहा है, जो टाइम होगा उसके हिसाब से आपके घर पे या तो गाड़ी भेज दी जाएगी, या अगर आप अपनी गाड़ी से अपनी टैक्सी से आना चाहें तो आपको उसका पैसा रिम्बर्स कर दिया जाएगा। आप जब वहाँ पे पहुँचेंगे ILBS में, तो आपके बेसिक कुछ टेस्ट्स वहाँ पे किए जाएंगे और उसके बाद आपका प्लाज्मा लिया जाएगा। प्लाज्मा लेने में 45 मिनट से एक घंटा लगता है बस, और कुछ नहीं है। और फिर एक आपको गौरव पत्र दिया जाएगा कि आपने समाज के लिए कंट्रीब्यूट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इतनी छोटी सी, इतनी सिंपल सी प्रक्रिया है। जो जो लोग प्लाज्मा लेना चाहते हैं, जिनके मरीज हैं अस्पतालों के अंदर और डॉक्टर कहता है कि उसको प्लाज्मा चढ़ाना है, आप प्लीज़ सीधे फ़ोन मत कीजिएगा। 1031 पे आप फ़ोन मत कीजिएगा। जिसको प्लाज्मा चाहिए वो फ़ोन नहीं करेगा। ये व्हाट्सएप नंबर जो दिया, जिसको प्लाज्मा चाहिए वो नहीं फ़ोन करेगा। जिसको प्लाज्मा चाहिए उनको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे और वो हॉस्पिटल ILBS से संपर्क करेगा और हॉस्पिटल को डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे प्लाज्मा डोनेट किया जाएगा। इंडिविजुअल लोग कृपया सीधे संपर्क ILBS से भी ना करें और इन फ़ोन नंबर से भी ना करें, अपने अस्पताल के ज़रिए आएँ। सभी अस्पतालों को दिया जाएगा, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे केंद्र सरकार का हो, चाहे MCD का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, कोई भी अस्पताल है, वो अगर उनका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो उनको प्लाज्मा दिया जाएगा। और इसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आज कोरोना की वजह से जो भी मौत हो रही है, पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना की वजह से हो रही मौतों में कमी आई है। जून के महीने में एक दिन तो ऐसा था जब लगभग 125 मौत एक दिन में हुई थी, अब पिछले कुछ दिनों में 60-65 के आसपास डेथ हो रही हैं, लगभग आधी हो गई हैं। लेकिन अभी इसको अपने को और भी कम करना है। अभी कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक प्लाज्मा मददगार साबित होगा। मैं ये नहीं दावा कर रहा कि कोरोना से, प्लाज्मा से कोरोना की सारी मौत रुक जाएंगी, पर इतनी ज़रूर हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि कोरोना से हो रही मौत में कमी आएगी और लोग अच्छे होके, स्वस्थ होके अपने घर लौटेंगे। देश के अन्य भागों में मैंने सुना है महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़े स्केल पे प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल शुरू हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। मैंने सुना है एक दो राज्य और इसी तरह से प्लाज्मा बैंक बनाने जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जिसमें सब लोगों को एक दूसरे से सीखने की ज़रूरत है। हम लोग भी सीखना चाहेंगे, कि देखना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के क्या एक्सपीरियंसेस, अनुभव होते हैं। महाराष्ट्र की सरकार को बधाई देना चाहते हैं जो उन्होंने ये शुरू किया। दूसरे अन्य राज्य जो भी ये शुरू कर रहे हैं, उन सबको हम बधाई देना चाहते हैं और उनके जो एक्सपीरियंसेस होंगे उनको हम उनसे सीखेंगे, हमारे जो एक्सपीरियंसेस होंगे उनसे वो लोग सीखेंगे। इसमें जैसे मैंने शुरू में कहा था, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जितने लोग कोरोना से ठीक हो गए और जो एलिजिबल हैं, एक एक आदमी डोनेट करे। इसमें हमें मीडिया के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। सारे मीडिया से उम्मीद है, हाथ जोड़ के उम्मीद है कि आप इस पे ज़बरदस्त कैंपेन चलाइए, जो लोगों की गलत फहमियाँ हैं वो दूर कीजिए और लोगों को एनकरेज कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके प्लाज्मा डोनेट करें, ताकि और दूसरे लोगों की जान बचाई जा सके। शुक्रिया।